हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी नाउ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सर? बढ़िया ही होंगे। लॉकडाउन चल रहा है, अब तो लॉकडाउन भी खुल गया है, तो अब आप सब बाहर जा सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ ज़रूर जाना दोस्तों। लेकिन पढ़ाई भी करते रहना, क्योंकि किसी किसी कॉलेजेस में, स्कूल में पेपर्स वापस कंटिन्यू हो चुके हैं, और अब तो यूपीएससी की डेट भी आ गई है दोस्तों, जो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही हो सकते हैं। तो पढ़ते रहना जरूरी है दोस्तों अपने को। तो दोस्तों, इस वीडियो से मैं आप तुगलक डायनेस्टी को आगे बढ़ाऊंगा। अभी तक मैंने खिलजी डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी को ख़त्म कर चुका है। उस वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो दोनों डायनेस्टीज़ के मैंने पार्ट्स बनाए हैं कुछ, उनको आप आराम से देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं गियासुद्दीन तुगलक, उनके बारे में जानेंगे कि वो कौन थे, और उनके बाद जो नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि उनकी जो बायोग्राफी है उनके बारे में हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जो खिलजी डायनेस्टी के आखिरी शासक थे नसरुद्दीन खुसरो शाह, उनके बारे में मैंने जब आपको बताया था, वो सिर्फ एक ही साल के लिए थे, वो थे 1320, एक साल के लिए भी नहीं, वो 3-4 महीने के लिए थे 1320 में, और उनको मार दिया जाता है गाजी मलिक के द्वारा, और गाजी ही मलिक आगे चल के गयासुद्दीन तुगलक का टाइटल एज्यूम कर लेते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक, दोनों बोले तो वो एक ही व्यक्ति है, ठीक है। और ये इनका मैं आपको टाइम पीरियड बता देता हूँ, ये 1320 से 1325 AD तक थे। लेकिन मैं एक बात इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही हम्बल, बहुत ही अच्छे इंसान थे गाजी मलिक। अब आप सोच रहे होंगे कि खुसरो शाह को मार दिया तो अच्छे इंसान कैसे हुए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर सुल्तान बनना था उस समय, तो किसी को मार के ही अपना वंश जमाना और खुद शासक बनना, यही एकमात्र जरिया था। लेकिन उन वो सुल्तान के रूप में अच्छे काम करे। तो दोस्तों, गाजी मलिक के बारे में बात करें तो गाजी मलिक जब सुल्तान नहीं बने थे, उसके पहले वो वॉरियर के रूप में काम करते थे दूसरे सुल्तानों के अंडर में। तो उन्होंने 22 times दोस्तों मंगोल्स को हराया है। अब दोस्तों देखते हैं कि जो गाजी मलिक था, मतलब गियासुद्दीन तुगलक, वो इन बात पे यकीन नहीं करता था कि अगर हम टैक्स को बढ़ा दें तो हमारा जो खजाना है वो भरने लगे, मतलब जो गवर्नमेंट का, उनका जो सुल्तान का था, वो भरने लगे। तो वो इस बात पे भरोसा रखता था कि अगर हम जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों, इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो टैक्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उससे क्या खजाना अपने आप भरने लगेगा। बट जो और भी सुल्तान थे, जैसे अगर हम आगे चल के अब मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे, उनने क्या करा कि टैक्स को ही बढ़ा दिया। उससे क्या होता है दोस्तों, देखिए, एक तो जो पुअर फार्मर्स थे वो तो वैसे ही पैसे नहीं कमा पा रहे, और जो हैवी टैक्स हो गया, तो ऊपर से क्या होता है कि अब जब उनके पैसे नहीं है तो हैवी टैक्स कैसे भरेंगे, तो उससे वो बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड भी कर लेते रहे। ये जो अब मैं पॉइंट बताऊँगा आपको, ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्यों कि इसका क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि क्या आएगा, कि ऐसा कौन सा पहला सुल्तान है जिसने इंडिया में पहली बार नहरों का, मतलब कैनल्स का निर्माण शुरू करवाया था। देखिए, इंडिया में कई सारे सुल्तान आए हैं हिस्ट्री में, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक, या हम गाजी मलिक बोलें, वो पहला ऐसा सुल्तान था दोस्तों जिसने भारत में नहरों का काम शुरू करवाया, नहरें बनवाना शुरू करवाया। नहरें मतलब कैनल्स, जिससे पानी का जो फ्लो है वो जाता है और पानी जगह जगह पर पहुंचाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि नहरें उसने बनवाना शुरू करवाई। और एक बात और बता दूं कि जो रोड्स थी बहुत सारी, उसको भी उसने रिपेयर करवाया, और नए नए ब्रिजेस भी बनवाए। अमीर खुसरो ने खुद गाजी मलिक को कंसीडर किया कि गाजी मलिक का जो क्राउन था, यानी जो उनके सभा थी, शासन, तो उनके पास दोस्तों 100 Brahmins थे दोस्तों, यानी सोचिए 100 Brahmins का ब्रेन था उनके पास। अब दोस्तों आता है 1321 AD। अब जो गयासुद्दीन तुगलक थे वो अपने बड़े बेटे को भेजते हैं वारंगल। अब उनके बेटे का नाम है जौना खान, जिनको हम उलूक खान के नाम से ही बुलाते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उलूक खान और जौना खान कौन है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जौना खान या उलूक खान कौन आगे चल के बनते हैं, मतलब क्या टाइटल एज्यूम करते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। खैर, अभी इस वीडियो में चलते हैं। तो वो 1321 में उसको वारंगल भेजते हैं। अब मैं वारंगल बता दूं तो आज के मॉडर्न डे की बात करें तो तेलंगाना जो है दोस्तों, वो वारंगल उस समय कहलाता था। तो वारंगल में दोस्तों रुद्र प्रताप देव जो थे वो वहाँ के राजा थे, और उनकी डायनेस्टी थी दोस्तों कौटिल्य डायनेस्टी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने बोला कि जाओ बेटे, तुम वहाँ जाओ और वो डायनेस्टी को ख़त्म कर गया और उसको अपने अंडर में ले लो।
तो वो बोले चलो ठीक है भाई चले आते हैं। तो वारंगल गए, वहाँ पर वो डायनेस्टी को समाप्त कर दिया, मार दिए, और जो वारंगल था उसका नाम उनने बदल के सुल्तानपुर रख दिया। किसने? जौना खान ने। ठीक है, अब दोस्तों आता है 1323 AD। अब जिसमें गयासुद्दीन तुगलक खुद बंगाल जाता है और वहाँ का जो सिविल वॉर चल रहा होता है उसको ख़त्म कर देता है, और वहाँ का जो सुल्तान था उसको अलग कर देता है, और वहाँ पर नसीरुद्दीन को बोल देता है कि भैया तुम लोग यहाँ के गवर्नर बन जाओ। अब बस इतने ही होते वो वहाँ पर थोड़ी देर रुक जाता है। अब दोस्तों आपने निज़ामुद्दीन औलिया का नाम सुना होगा, जैसे आपने अगर दिल्ली गए होंगे तो वहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन नाम से रेलवे स्टेशन है, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया है। निज़ामुद्दीन औलिया दोस्तों एक बहुत बड़े सूफी संत थे दोस्तों, तो उनका जो तुगलकाबाद या दिल्ली के रीजन में उनका बहुत नाम था, बहुत। अमीर खुसरो ने तक जितने भी सुल्तान के वो राजपाट में थे उनने उन सब का त्याग करके सूफी संत जो है कौन निज़ामुद्दीन औलिया उनके शरण में चले गए थे और उन्हीं के साथ रहा करते थे। तो सोचिए उनका जो इन्फ्लुएंस था लोगों के सामने, उनका प्रभाव, उनका इंप्रेशन कितना पावरफुल था लोगों के सामने। तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक और निज़ामुद्दीन औलिया के बीच में थोड़ी अनबन रहा करती थी शुरू से ही, क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया चाहते कुछ और थे, गयासुद्दीन तुगलक करते कुछ और थे, तो उनके बीच में 36 का आंकड़ा बना रहता रहा, उनके बीच में तालमेल नहीं मिलता रहता था। तो इससे क्या होता रहा कि गयासुद्दीन तुगलक उनको हमेशा यानी नीचे दिखाने की कोशिश करता था, उनको कभी बोल दिया कि अब आप टैक्स हाई दोगे, आप ही बस टैक्स हाई दोगे। तो इन सब चीज़ों से जो निज़ामुद्दीन औलिया थे वो भी थोड़ा चिढ़ने लगे थे गाजी मलिक से या गयासुद्दीन तुगलक से। तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बसाया था, मतलब एक नया शहर बनाया जिसका नाम तुगलकाबाद था, वो गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था, लेकिन उधर इन्फ्लुएंस किसका सबसे ज़्यादा था? निज़ामुद्दीन औलिया का था। इसलिए वो और चिढ़ने लगा उनसे कि भाई हमारा शहर है और तुम यहाँ आके लोगों को अपनी तरफ कर रहे हो हमारी तरफ ना होने के बदले। तो लेकिन वो उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि देखिए जिसके साथ जनता ज़्यादा खड़ी है वो उनके खिलाफ तुम करोगे तो जनता तुम्हें उखाड़ के फेंक देगी। सेम उस समय भी ऐसी ही सिचुएशन थी दोस्तों, निज़ामुद्दीन औलिया के साथ उनकी बहुत सारी ऐसी पब्लिक थी, बहुत सारे उनके भक्त थे, तो जहाँ के भी गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक कुछ नहीं कर सकता था उनका। तो दोस्तों जो सुल्तान थे हमारे गयासुद्दीन तुगलक, अब वो बंगाल से दिल्ली रवाना होते हैं, तो वो रवाना होने से पहले एक संदेश दिल्ली पहुंचा देते हैं निज़ामुद्दीन औलिया के लिए कि मेरे आने से पहले जितना भी टैक्स है तुम्हारे ऊपर वो पूरा चुका के रखना, और नहीं चुकाए तो फिर बाकी बात बाद में होगी। तो अमीर खुसरो के द्वारा जो निज़ामुद्दीन औलिया ने बोला था गाजी मलिक लिए, हुनूस दिल्ली दूरस्त है। दोस्तों आपने एक बहुत ही फेमस लाइन सुनी होगी, दिल्ली अभी दूर है। तो ये जो डायलॉग बोल सकते हैं या ये जो लाइन है ये बोली थी दोस्तों निज़ामुद्दीन औलिया ने, और किसके लिए? गाजी मलिक के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हुनूस दिल्ली दूरस्त, या इसको हम ट्रांसलेट करके बोले दिल्ली अभी दूर है, ये किसने बोला? तो निज़ामुद्दीन औलिया ने बोला किसके लिए? गाजी मलिक के लिए, गयासुद्दीन तुगलक के लिए। तो दोस्तों ये बात सच भी साबित होती है, इसका एग्जाम्पल ये है कि गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक था वो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया था। कुछ कुछ बातें निज़ामुद्दीन औलिया की सच हो जाती थी एक तरीके से समझिए भविष्यवाणी, इसलिए जनता उनको और यानी मानने लगी थी उनको भगवान की तरह। तो होता ही है, अब वो क्यों नहीं पहुंच पाते, अब मैं बताता हूँ क्यों। तो होता ही है दोस्तों कि जो जौना खान था, मतलब उनका जो बेटा, उनने उसको कहाँ भेजा था? वारंगल भेजा था, वहाँ प्रताप रुद्रदेव जो थे उनको हराने, जो कौटिल्य डायनेस्टी थी उधर उसका खात्मा करने, और वहाँ से जो भी सामान जीते तुम लूट मचाई उसको लाने के लिए। तो जौना खान बोलता है कि एक काम करो, आप मेरे को अफगानपुर में मिलो। अफगानपुर दोस्तों आज के टाइम में देखे तो खड़ा मानिकपुर है, वहाँ पर पड़ता है। तो वो अफगानपुर में बुलाता है और बोलता है कि आप यहाँ आइए और मैं भी आता हूँ, हम दोनों मिलते हैं और मैं आपको अपनी वेल्थ शो करूँगा कि मैंने वहाँ से क्या क्या लाया, क्या क्या जीता वहाँ से। तो बोलता है गाजी मलिक चलो ठीक है यार आ जाओ, हम भी यहीं आपका इंतज़ार करते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों एक वुडन पैलेस था, या हम वुडन पेवेलियन बोले, एक लकड़ी से बना महल था। तो वो महल ऐसा ही टाइप का बनाया गया था कि जरा सा भी उसमें धक्का लगे तो पूरा महल ऐसे तड़तड़ हो के ज़मीन में पस्त हो जाए। तो होता ही है कि गयासुद्दीन तुगलक को बुलाया जाता है, उसको वहाँ महल के अंदर बैठाया जाता है बकायदा सुल्तान की तरह, और जौना खान को वो आदेश देता है कि बताओ भाई तुमने क्या क्या लाया। तो वो एक्चुअली में हाथी के ऊपर वो सब सामान लदवा के लाया था। तो अब वो हाथी को बोलता है कि आने दो, तो एकदम से हाथियों में हलचल मच जाती है।
तो वो हाथी भड़बड़ा के घुसने लगते हैं, तो वो क्या जो वुडन पैलेस था, जो लकड़ी से बना महल था, वो उससे टच होके निकलते हैं, तो वो जो महल था वो आपस में दर दर होके टूट के गिर जाता है। तो इससे क्या होता है, गाजी मलिक या गियासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। तो हम तो एक इसको एक्सीडेंट की तरह बोल सकते हैं, लेकिन इब्न बतूता, फ्रांकोइस बर्नियर, ऐसे बहुत से बड़े बड़े ट्रेवलर्स हैं जिन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है कि ये जो थी एक कॉन्स्पिरेंसी थी जोना खान के तरफ से, वो एक साजिश रचा था कि अगर ये मर जाएगा तो अब मैं सुल्तान बन जाऊंगा। तो अब आपको क्या लगता है, ये कॉन्स्पिरेंसी होगी जोना खान की तरफ से? क्योंकि देखिए हिस्ट्री में ऐसा ही होता है, सब धोखाधड़ी आपस ही में, परिवार वाले में, कभी बेटा बाप को, भाई भाई को, भाई बहन को, ऐसे सब लोग आपस ही में धोखा देते हुए आए अपने आप को। तो क्या आपको लगता है ये भी धोखा होगा? तो यहीं से दोस्तों गाजी मलिक की कहानी ख़त्म होती है। मैंने आपको उनके अचीवमेंट्स बता दिए, मैंने उनकी बायोग्राफी आपको अच्छे से इस वीडियो में समझा दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। और जो भी वीडियो आपको चाहिए नए टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आप चाहते हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जल्द से जल्द तो कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। तो तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, नमस्ते।